स्वागत गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलक्ष्मीकांत में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स की, जो कि आज इन्फिनिक्स ने अपना एकदम बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इन्फिनिक्स हॉट 10S, जो कि एकदम बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जिसका फुल ओवरव्यू। तो आगे बढ़ने से पहले टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए देखते हैं फुल ओवरव्यू इन्फिनिक्स हॉट 10S का। इसमें सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। देखते हैं इसमें 6.82 इंचेस 17.32 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की। इसमें देखेंगे 83.23% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। पिक्सल डेंसिटी की बात करेंगे, इसमें मिलता है 720x1640 पिक्सल। आगे बढ़ते हैं इसकी डिस्प्ले की, कौन सा डिस्प्ले सपोर्ट करता है। तो ये सपोर्ट करता है IPS LCD वाटर ड्रॉप नॉच साइज विथ 90Hz रिफ्रेश रेट, क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत बजट के लिए स्मार्टफोन है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो आगे बढ़ते हैं इसके डिज़ाइन में। यहाँ पर देखेंगे हाइट में तो ये आपको मिलता है 171.5 mm, विथ में देखेंगे ये आपको मिलता है 77.5 mm, और थिकनेस में देखेंगे ये आपको मिलता है 9.2 mm। अब बात करेंगे कलर में कौन कौन से कलर में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। तो ये स्मार्टफोन 3 कलर में लॉन्च हुआ है, जिसमें पहला है ब्लैक पर्पल, दूसरा है मोरंडी ग्रीन, तीसरा है हार्ट ऑफ ओशियन। आगे बढ़ते हैं इसके रियर कैमरे की तरफ, जिसमें रियर में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा, जिसमें प्राइमरी है 48 MP वाइड एंगल +2 MP दे। फिर थर्ड है वो AI सेंसर है विथ क्वाड LED फ्लैश। अब आगे बढ़ते हैं कुछ कैमरा फीचर्स की, जिसमें आपको मिलता है डिजिटल जूम, ऑटो फोकस, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस। आगे बढ़ते हैं इसके फ्रंट कैमरे की तरफ, जिसमें आपको मिलता है सिंगल कैमरा, जिसमें है 8 MP वाइड एंगल। और फ्लैश की बात करेंगे, इसमें आपको मिलता है डुअल LED फ्लैश। और इसके कुछ कैमरा फीचर्स की, इसमें फिक्स्ड ऑप्टो टू फोकस है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी चिपसेट परफॉर्मेंस की। तो देखिए ये स्मार्टफोन एकदम बजट कैटेगरी का है, इसमें भी इन्फिनिक्स ने कुछ खास किया है। इसमें आपको मिलता है चिपसेट में देखेंगे MediaTek Helio G85, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर इस रेंज में अगर मिलता है तो। और चलिए देखते हैं इसकी CPU की, जिसमें मिलता है ऑक्टाकोर 2 GHz, डुअल कोर कॉर्टेक्स A75 प्लस 1.8 GHz, एक्सा कोर क्रायो A55। आगे बढ़ते हैं ये किस पे बेस्ड है। तो ये बेस्ड है 12 nm प्रोसेसर पे। आगे बढ़ते हैं इसकी ग्राफिक्स की, जिसमें देखेंगे ग्राफिक्स आपको मिलती है माली G52 और MC2। अब आगे बढ़ते हैं इसके रैम और स्टोरेज की तरफ, जिसमें आपको मिलता है 4 GB की रैम, 64 GB की स्टोरेज, अप टू 512 GB तक बढ़ा सकते हैं इसको आप। और स्टोरेज टाइप की बात करेंगे, इसमें आपको मिलता है EMMC 5.1। आगे बढ़ते हैं इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड V11 कस्टम XOS, ये इन्फिनिक्स का खुद का कस्टम है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी बैटरी की, इसमें आपको मिलता है 6000 mAh की मैसिव बैटरी। और फास्ट चार्जिंग की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 10W ऑब्वियसली होगा ही होगा। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एडमिट कर दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की तरफ, जिसमें इसके नेटवर्क में SIM 1 और SIM 2 आपको मिलता है, Nano+Nano हाइब्रिड सिम स्लॉट। और नेटवर्क की बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन 2G, 3G, 4G सपोर्ट करता है, कोई 5G नहीं सपोर्ट करता है स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन ये है बजट कैटेगरी का। अब आगे बढ़ते हैं वाईफाई की, जिसमें देखते हैं वो मिलता है आपको 802.11 प्लस मोबाइल हॉटस्पॉट। आगे बढ़ते हैं इसकी ब्लूटूथ वर्जन की, जिसमें आपको मिलता है ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जो कि लेटेस्ट है। आगे बढ़ते हैं मल्टीमीडिया की तरफ, जिसमें मिलता है FM रेडियो, लाउड स्पीकर 3.5 mm जैक। आगे बढ़ते हैं इसकी आगे और लास्ट में, जो कि है सिक्योरिटी एंड सेंसर्स की तरफ, जिसमें फिंगरप्रिंट देखेंगे यस ऑब्वियसली दिया गया है, और फेस अनलॉक दिया गया होगा। और अदर सेंसर्स की बात करेंगे, जिसमें आपको मिलता है लाइट सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, एक्सीलरोमीटर प्लस जायरोस्कोप। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये स्मार्टफोन आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये अपनी एक्सपेक्टेशन हम लोग बता रहे हैं, तो ये स्मार्टफोन 10,000 के नीचे ही लॉन्च होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में बेल आइकन दबाइए। तब तक बने रहें टेक्नोलक्ष्मीकांत के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।